का गाता हूँ, आँख के आगे फसल सूखने का मतलब बतलाता हूँ, आँखों के आगे बेटे का बिलक बिलक कर मर जाना, आँखों के आगे बेटे का बिलक बिलक कर मर जाना, उत्तर आते हुए परीक्षा में हाथों का पथराना, एक सुहागिन को लगता है जो विधवा कहलाने पर, वृद्ध पिता को जो लगता अपनी बेटी खो जाने पर, ध्यान भंग हो जाने पर जैसा योगी को लगता है, खुद की दवा नहीं मिलने पर जो रोगी को लगता है, तुमको लगता जनादेश पाकर सत्ता छिन जाने पर, प्रथम विजेता को लगता है पुरस्कार न पाने पर, पदक छीनने पर लगता है जैसा एक जवान को फसल सूखने पर वैसा ही लगता है। फसल सूखने पर वैसा ही लगता है किसान को, फसल सूखने पर वैसा ही लगता है किसान को, भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही। चौथी पंक्ति बहुत कोमलता से लिख दी, आखिरी बंद इस कविता का प्रांत आपसे विदाई, बहुत कोमलता से मैंने लिख डाली है। महान गीतकार आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी यहाँ पर उपस्थित है, एक पंक्ति है जो उनको समर्पित कर सकता हूँ, सुनाता हूँ आपको। किसान की महत्ता को दर्शाती हुई ये पंक्ति, इससे बेहतर कुछ नहीं लिख सका, निवेदन करता हूँ सुनिए का, कि भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही, भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही, बीज उगाने की खातिर ये धरती मैया पूछ रही, बीज उगाने की खातिर ये धरती मैया पूछ रही, गांधी के सपनों का कोई भी अरमान नहीं दिखता, गांधी के सपनों का कोई भी अरमान नहीं दिखता, बिन किसान को देखे पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता। किसान सोचे कि पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता, और अंतिम चार पंक्तियां और विदाई ऐसी कि मुझे लगे कि महोत्सव में शामिल होकर आया हूँ। बिन किसान को देखे पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता, अब हो जाओ सावधान मत डूबो तुम अभिमान में, अब हो जाओ सावधान मत डूबो तुम अभिमान में, 100 में से 80 किसान है मेरे हिंदुस्तान में, सारे के सारे किसान जब भारत के मिल जाएंगे, एक नहीं तो नहीं हजारों सिंहासन हिल जाएंगे, एक नहीं तो नहीं हजारों सिंहासन हिल जाएंगे, तुमने नोट लिया है उनके बच्चों की मुस्कान को, हल्की नोक लिए लिखता जो धरती के सम्मान को, बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को, बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को, बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, राजमान जान आपको बहुत प्रेम से सुना, प्रणाम। मैंने जी एक बार अशोक कन्या बोला।